हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9 में एक्सरसाइज जो है 5.1 सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना किए थे, तो 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बना दिए। 4 नहीं, 5 भी हम आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि आकृति जो है ना 5.10 में एक आकृति हम बनाते हैं। यहाँ पे ये ए पॉइंट और यहाँ जो है डी है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट क्या है सी, ठीक है। इन फिगर आप ठीक देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इन फिगर फिगर में ना AC इज इक्वल टू BD दिया है। AC इज इक्वल टू BD, आप फिगर में देखेंगे ये AC यानी कि AC इज इक्वल टू BD जो है दिया हुआ है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि AB बराबर CD, ठीक है। देन प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो AC इज इक्वल टू क्या AB ना, क्या प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू CD प्रूफ करना है। AB इज इक्वल टू क्या हुआ, प्रूफ CD, चेक करेंगे आप। ये दिया हुआ है AC बराबर BD जो है ना दिया हुआ है, और ये प्रूफ करना है कि AB किसके बराबर, CD के बराबर। चलिए हम लोग सॉल्यूशन में क्या दिया है बाबू, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में किस भी ये दिया हुआ है AC बराबर BD जो है ना ये दिया हुआ है। AC बराबर क्या दिया है, BD दिया हुआ है, तो AC बराबर चेक करिए, AC बराबर आप क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, चेक करिए लिख सकते हैं कि नहीं, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC लिख सकते हैं ना। फिर ये BD, तो BD बराबर आप क्या लिखिएगा, BC प्लस CD लिखेंगे ना, यहां लिख दीजिए BC आप प्लस क्या लिख देंगे CD, ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी कि हम लिख देंगे BC या प्लस CD, अब दोनों में क्या कटेगा, तो BC और BC कट जाएगा, तो क्या होगा AB बराबर क्या होगा बाबू, CD। AB बराबर क्या हो गया, AB बराबर CD, ठीक है, AB बराबर CD, यही ना आपको प्रूफ करके लाना था, AB बराबर क्या लाना था, CD, यही आपको प्रूफ करना था, हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो कुछ नहीं सिर्फ समझना है और अपने से तो आप बना ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। लिखा है यूक्लिड के अवगत्यों की सूची में दिया हुआ अवगत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, और इसके पांचवा अवगत क्या संबंधित है, संबंधित नहीं, तो अवगत 5 आप देखिए, अवगत 5 जो है वो क्या करता है थोड़ा सा आप समझेंगे, और कह रहा है अवगत जो 5 नंबर जो है इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि अवगत 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, और 5 जो अवगत है ना बाबू वो क्या है, थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे, यानी कि पांचवा अवगत जो है अवगत 5, ठीक है, आप देखेंगे लिखवाया गया होगा तो आपको ध्यान होगा, अवगत 5 क्या है कि संपूर्ण भाग, अवगत यही करता है, संपूर्ण भाग जो है ना अपने टुकड़े से क्या होता है, टुकड़े से बड़ा होता है, टुकड़े से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। संपूर्ण भाग आप इमेजिन करिए, हमने आपको उसी भी बताया था, कह रहे कि यह सर्वव्यापी सत्य होता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण भाग, मान लीजिए ये चौक है, क्या है चौक, तो संपूर्ण पूरा भाग अगर हम कह दें कि इसको तोड़ दिया गया तो संपूर्ण भाग कभी भी तो बड़ा होगा ना टुकड़े से, तो ये सर्वव्यापी क्या है, सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यानी कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, क्योंकि इसमें कहीं अवगृहित जो होता है ना किसी परमाणु की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हम लोग अपने से प्रूव करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ 6 और ये क्वेश्चन 7, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है ना वो आपका समाप्त होता, यानी कि 5.1 आपका समाप्त होता, तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।